सोलन शिक्षा का हब है। यहाँ करीबन दर्जन भर विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के व्यवसायीकरण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों पर नियमों का उल्लंघन कर उनसे मोटी फीस ऐंठी जा रही है। यही नहीं, विद्यार्थियों को फीस न देने की सूरत पर उन्हें फेल तक किया जा रहा है। ऐसी ही शिकायत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज तक भी पहुँची। उन्होंने इस पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही। इस बारे में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में 24 विश्वविद्यालय शिक्षा दे रहे हैं, जिनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जहां रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण वह काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर विद्यार्थियों के साथ फीस न देने पर उन्हें फेल किया जा रहा है तो ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में टोटल 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सरकारी स्तर पर भी जो काम करती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ये ठीक है कि भी, और हिमाचल प्रदेश एक पहला प्रदेश है जिसने रेगुलेटरी कमीशन भी एक बनाया था, हालांकि वो अभी लीगल उसमें जो है फंसा है, क्योंकि सारे देश भर में जो प्रदेश इस दृष्टि से कमीशन बनाना चाहते थे नहीं बना पाए हैं, और हमारा भी ये क्वैश हुआ है हाईकोर्ट से। तो आगे के लिए क्या रेगुलेटरी प्रोविजन हम इसमें कर सकेंगे, इस पर जो है विचार हो रहा है। लीगल हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट को जो है ये काम सौंपा है, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। और उसमें जैसा आपने बताया कि सोलन ही नहीं, सारे प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी खुली हैं उसमें सोलन भी है, और अगर ये इस प्रकार से जो है वो फेल कर रहे हैं, इस पर जो है विचार करेंगे और रेगुलेटरी कमीशन से जो है जो भी प्रोविजन जो होंगे उसके अंतर्गत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे।